यस नमस्कार, दिल्ली वाला एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज 15 नवंबर है, इसको करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी को रिलेट करके आपके लिए क्वेश्चन को मैं प्रस्तुत कर दूंगा और ये क्वेश्चन टकरा जाएंगे एग्जाम में एज इट इज। सबसे पहले आज महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। 1875 में इनका जन्म हुआ था। 1875 मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 1875 में ही डक्कन का विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र में। डक्कन मूवमेंट 1875 में हुआ था, तो ये जोड़ के आप याद कर सकते हैं। लेकिन इनका जो 15 नवंबर का जन्म दिवस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। झारखंड का गठन भी 15 नवंबर को हुआ है सन 2000 में। साथ ही साथ 15 नवंबर जो इनका डेट ऑफ बर्थ है, जन्म दिवस है, इसको भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में ऐलान किया है कि हम जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे 15 नवंबर को। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि ये करंट का है और साथ ही साथ स्टैटिक बन गया है। इसके बाद मैंने आपको बताया, हाँ, बिरसा मुंडा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि इन्होंने एक विद्रोह शुरू किया था, उस विद्रोह का नाम क्या है। तो इस विद्रोह का नाम है उल गुलान। उल गुलान का मतलब होता है उथल पुथल हो जाना। विद्रोह का मतलब भी उथल पुथल ही होता है। कब शुरू हुआ ये भी पूछा जाता है, तो 1899 में ये शुरू हुआ, 1899 में, और 1900 ईस्वी तक चला था। उसके बाद इनको जेल में गिरफ्तार किया गया और जेल में इनकी मृत्यु हो गई। इसके साथ साथ झारखंड में जो रांची में जो एयरपोर्ट है वो बिरसा मुंडा के नाम से ही एयरपोर्ट है। और आपसे पूछा जाता है कि उल गुलाम विद्रोह का दूसरा नाम क्या है। उल गुलाम विद्रोह का दूसरा नाम मुंडा है, जो कि बिरसा मुंडा से ही लिया गया है। लास्ट का उनका मुंडा इसमें लगा दिया गया, तो बिरसा मुंडा के नाम से उल गुलाम, मतलब मुंडा के नाम से उल गुलाम है। यहां तक अपना क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। आज ही के दिन 15 नवंबर को आचार्य विनोबा भावे का निधन हुआ था। आचार्य विनोबा भावे से जुड़ी बहुत सारी रोचक बातें हैं और जो कि क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं। सबसे पहला बात, इनको फाउंडर ऑफ भूदान कहा जाता है, मतलब भूदान के जनक। भूदान के जनक मतलब, भूदान का मतलब ये है कि ये जमींदार को रिक्वेस्ट करते थे कि आप कुछ अपनी गरीब, थोड़ी बहुत जमीन जो है गरीब को दे दीजिए। ये बहुत सुंदर काम कर रहे थे। इसके साथ साथ गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी इनको कहा जाता है, स्पिरिचुअल हायर्स ऑफ गांधी जी आचार्य विनोबा भावे को कहा जाता है। उसके बाद जो 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, उसके पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे हैं। और आचार्य विनोबा भावे को, आचार्य विनोबा भावे भारत के पहले व्यक्ति बने जिसको रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। कब दिया गया है, 1958 में। हालांकि रमन मैग्सेसे अवार्ड का गठन 1957 में हुआ है। आप देखिएगा ये सारे माइनर चीजें आ जाती हैं। पहली बार 5 लोगों को दिया गया था रमन मैग्सेसे अवार्ड, और ये हर साल 31 अगस्त को दिया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ रमन मैग्सेसे अवार्ड को भारत का नोबल, भारत नहीं सॉरी, एशिया का नोबल प्राइज कहा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके साथ साथ क्या और भी कोई लोग हैं जिनको अपना रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, तो जी हाँ, रवीश कुमार को 2019 में मिला है, पत्रकार हैं। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल को 2006 में मिला है। वैसे याद नहीं रह सकता है शायद आपको, आप वैसे याद करेंगे। 2005 में RTI एक्ट लागू हुआ था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, और 2006 में उसको लागू करने के लिए सही तरीके से जो सिस्टम में, गवर्नमेंट ऑफिस में जो करप्शन चल रहा है उसको बंद करने के लिए ये अरविंद केजरीवाल ने 2006 में बहुत बड़ा परिवर्तन रैली किया था। इसीलिए इनको 2006 में रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। ये ध्यान रखेंगे आप। आरबी NTPC और ग्रुप डी इन सब में कई बार यूनिक क्वेश्चन ऐसे बना के पूछा गया। अब बात करते हैं आचार्य विनोबा भावे को रमन मैग्सेसे अवार्ड के साथ साथ कुछ और अवार्ड मिले हैं। भारत रत्न, जो कि 1983 में मिला है। भारत रत्न का गठन 1954 में, मैंने पहले वीडियो में बता रखा आपको। हालांकि 1983 में जो इनको मिला है भारत रत्न, उसको याद करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। 1983 में भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था, विश्व कप जीता था, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत ने कई बार पहली बार विश्व कप कब जीता है, तो 1983। ऐसे दो तीन चीजों को आप जोड़िए तब जाके कम टाइम में ज्यादा आउटपुट निकल पाएगा आपका। अब बात कर लेते हैं, कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था उनके बारे में, बात कर लेते हैं। कल 14 नवंबर था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस था। इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज में उनका जन्म हुआ था, और इनको प्यार से बच्चे चाचा नेहरू कहते थे, इसीलिए 14 नवंबर को हम बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बात इनसे भी जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, 1929 में जो लाहौर सेशन हुआ था, लाहौर का अधिवेशन हुआ था, उसमें अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इन्होंने ही पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। साथ ही साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1954 में तो भारत रत्न का गठन हुआ, 1955 में इनको भारत रत्न मिला था। याद करने का तरीका वही है कि एक साल बाद मिला, गठन 1954 में हुआ और मिला 1955 में भारत रत्न।
इसके साथ साथ एक गौरव हासिल है इनको कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब लोकतांत्रिक देश है, उसमें सबसे ज्यादा दिन प्रधानमंत्री रहने का गौरव हासिल है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को। 1947 से 1963 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। ये सब फैक्ट्स आप इंक्लूड जब करेंगे अपने फैक्ट्स में, अपने नॉलेज में, तो आप देखेंगे कि एग्जाम को क्लियर करने में बड़ा आसानी होगा आपको। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।